खुदावर से। आप देख रहे हैं एडियन उर्दू न्यूज और आपके साथ मैं हूं सैयद वहाबुल हक। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नजर दिन भर की अहम खबरों पर। मराठवाड़ा में हुई इजाफी बारिश और फसलों की तबाही के सबब गीले तहत का ऐलान किया जाए, शेतकरी कामगार पक्ष का रियासती हुकूमत से मुतालबा। आइंदा बल्दिया उज़्मा इंतखाबात में मुस्लिम राय दहिंदगान के ताउन से बहुजन वंचित को बेहतर नतायज की तवक्को। सैकड़ों मुस्लिम कारकुनान ने की बहुजन वंचित में शमूलियत। रियासतगीर मुहिम मेरा खानदान मेरी जिम्मेदारी के तहत शिवसेना की जानिब से आवामी बेदारी जारी, चौक चौराहों पर की गई साबुन की तकसीम। खबरें तफसील से। यूनिवर्सिटी से मुलहक्का कॉलेजों के इम्तिहानात मुताबिक ऐलान कल 9 अक्टूबर को शुरू होंगे। इसी तरह यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट के औरंगाबाद कैंपस और उस्मानाबाद सब कैंपस के दिगर इम्तिहान 14 अक्टूबर से शुरू होंगे। ही परीक्षा ऑनलाइन किंवा ऑफलाइन पद्धति ने पण MCQ ज्याला आपण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन म्हणतोय, एका क्वेश्चनसाठी खाली चार ऑप्शन दिल्या जातील आणि त्या ऑप्शननुसार तुम्हाला चॉईस द्यायचा आहे, त्याला मल्टीपल चॉईस क्वेश्चनच्या रूपाने ही परीक्षा ऑनलाईन किंवा ऑफलाईन पद्धतीने घेण्यात येईल। ऑनलाईन आणि ऑफलाईन पद्धतीसाठी आम्ही ऑप्शनही मागितलेले आहे। 163,000 विद्यार्थी आपल्या विद्यापीठातून या परीक्षेला बसत आहेत, 163,000। त्यापैकी जवळपास 113,898 विद्यार्थ्यांनी ऑनलाईन मोडला प्रिफरन्स दिलेला आहे आणि उरलेल्या जवळपास 50,000 विद्यार्थ्यांनी ऑफलाईनला दिला आहे। 113,898 हे ऑनलाईनला दिलेले आहे आणि उरलेल्या 50,000 विद्यार्थ्यांनी ऑफलाईनला आपला प्रिफरन्स दिला आहे। ही माहिती आम्हाला आतापर्यंत आमच्यापर्यंत पोहोचलेली आहे। हा जो विकल्प विद्यार्थ्यांनी निवडलेला आहे 113,898, हे विद्यार्थी आपल्या मोबाईलवरनं परीक्षा देऊ इच्छितात, आपल्या लॅपटॉपवरनं किंवा आयपॅडवरती परीक्षा देणार आहेत। मोबाईलवरती परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मी मागेही सांगितलं होतं की एक साधा अँड्रॉइड किंवा स्मार्टफोन असेल आणि 3G नेटवर्क आहे, कारण आता गेल्या 4-5 दिवसापासून मॉक ट्रायल सुरू आहे आणि त्या अगदी यूजर फ्रेंडली आहेत। त्याच्यामध्ये काही कन्फ्युजन जे आहे मी ते आज तुमचं दूर करतो आहे। आणि मध्ये असंही काही एक बातमी होती की त्यांना वेब कॅमेरा वगैरे विकत घ्यावा लागेल, मोबाईलला वेब कॅमेरा विकत घ्यायची आवश्यकता नाही, त्याच्यामध्ये तो इनबिल्ट असतो आहे। ज्यांना लॅपटॉप आणि आयपॅडवरती जर परीक्षा द्यायची असेल आणि त्या लॅपटॉप आणि आयपॅडला वेब कॅमेरा नसेल तर तिथे मात्र त्यांनी वेब कॅमेराचं प्रोव्हिजन करणं आवश्यक आहे, मात्र मोबाईलवरती तुम्हाला तसं काही प्रकारचा वेगळा काही वेब कॅमेरा घ्यायची आवश्यकता नाही। नंतर जे विद्यार्थी ऑनलाईन मोडने ही परीक्षा द्यायचा ज्यांनी विकल्प दिलेला आहे त्या विद्यार्थ्यांनी आपली एक मॉक ट्रायल देणं आवश्यक आहे। आता याच्यामध्ये सुद्धा गेल्या 2-3 दिवसापासून कॉलेजचे जे IT कोऑर्डिनेटर आहे यांच्या ज्या आम्ही मीटिंग घेतला आहे तेव्हा आमच्या एक गोष्ट लक्षात आली की काही विद्यार्थ्यांनी MKCLची जी मॉक टेस्ट दिलेली आहे तीच ती ग्राह्य धरतायत, पण MKCLची मॉक टेस्ट ही फक्त प्रॅक्टिससाठी घेण्यात आलेली आहे, परीक्षेसाठी मात्र विद्यापीठाने जो लॉगिन ID दिलेला आहे bamu.unionline.in, मी परत रिपीट करतोय, हे विद्यापीठाच्या संकेतस्थळावरती दिलेलं आहे। विद्यापीठाने जे परिपत्रक काढलेलं आहे त्याच्यामध्येही दिलेलं आहे, कॉलेजेसना जे परिपत्रक काढलेलं आहे त्याच्यावरती दिलेलं आहे bamu.unionline.in। याच्यावरती क्लिक केल्यानंतर, या लिंकवरती क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला वेगवेगळ्या फॅकल्टीचे ऑप्शन येतात, फॅकल्टीनंतर सब्जेक्टचे ऑप्शन येतात आणि त्याच्यावरून तुम्हाला मॉक टेस्ट देणं आवश्यक आहे। मी एकदा परत रिपीट करतोय की ऑनलाईन पद्धतीचा विकल्प निवडलेल्या प्रत्येक विद्यार्थ्याला bamu.unionline.in या लिंकवर जाऊन मॉक देणं आवश्यक आहे। ही मॉक म्हणजे त्याचं त्या परीक्षेसाठी रजिस्ट्रेशन आहे।
परीक्षेच्या आधी तुम्हाला मॉक जर दिली असेल तर परीक्षेच्या दिवशी तुम्ही एक काही सेकंदामध्ये किंवा 1 मिनिटामध्ये त्या परीक्षेसाठी लॉग इन करू शकता आहे. त्यामुळे ज्या विद्यार्थ्यांनी अजूनपर्यंत bamu.unionline.inc या लिंकवरती मॉक ट्रायल दिली असेल त्यांनी अजूनही द्यावी. मराठवाड़ा में इजाफी बारिश से तबाह हुई फसलों के सबब गीले कहत का ऐलान करने, मरकजी हुकूमत के ज़रई बिल के वापस लेने व दिगर मुतालिबात के तहत शेतकरी कामगार पक्ष ने मुजाहरे किए और इलाके कमिश्नर के मारिफत वजीर आला को एक महजर भिजवाया है. मुल्क भर कोरोना के वबाई हालात के सबब जहां तमाम तबकात की हालत दिगरगुं है, तबके दहकानान भी हलाकत खेज हालात के शिकार हैं. किसानों की हालत मजमूई तौर पर भी कोई इत्मीनान बख्श नहीं रही है. अपने शिकस्ता हाल रोज़ो शब माजी करीब में उन्हें खुदकुशियां करने पर भी मजबूर कर चुके हैं. ऐसे में कोरोना की वबा और फिर इमसाल की तनासुब से जायद बारिश, दोबारा तुखमरेजी की नौबत और ज़रूरत से जायद बारिश के सबब फसलों की तबाही ने उन्हें फिर से कहत ज़दा कर दिया है. वो माशी तौर पर बदहाल हो चुके हैं. इन्हीं अवामिल के पेश नज़र आज मुजारेओं की तंजीम शेतकरी कामगार पक्ष ने इलाकाई कमिश्नर के दफ्तर के रूबरू मुजाहरे किए और डिविजनल कमिश्नर के मारिफत वजीर आला को एक मतालिबाती महजर भिजवाया है. इस महजर में मराठवाड़ा भर में गीले कहत का ऐलान किए जाने के मतालबे के साथ कपास की तयकुनाती कीमत, हालिया ज़राअत से मुतालिका कानून वापस लेने और किसानों के लिए माशी इमदाद के मतालबे शामिल हैं. जबकि इस महजर पर शेतकरी कामगार पक्ष के रियासत और इलाका भर के कलीदी अहदेदारान वो कारकुनान के दस्तखत सब्त हैं. आज विभागीय कार्यालय पर शेतकरी कामगार पक्षाच्या वतीने मराठवाड्यामध्ये दुष्काळ जाहीर करा, हेक्टरी 50,000 रुपये शेतकऱ्याला किमान अनुदान द्या आणि जे केंद्र सरकारने जे कृषी विधेयक मंजूर केलेलं आहे, जे की शेतकऱ्याच्या मुळावर उठलेलं आहे, त्याच्यामध्ये कुठलंही शेतकऱ्याचं हित नाही, ते तात्काळ रद्द करावा. यासाठी आज विभागीय कार्यालयावर आम्ही सोशल डिस्टन्सचं पालन करून एक निदर्शने केलेले. आम्ही सरकारला इशारा देऊ इच्छितो, हे विधेयक जर रद्द नाही झालं तर केंद्र सरकारच्या विरोधामध्ये तीव्र स्वरूपाचं आंदोलन करण्यात येईल. इस साल पूरे मराठवाड़ा में बरसात के वजह से अकाल गिरा है. पिछले 4-5 साल से सूखा अकाल गिरा है और इस साल से बहुत बारिश होने के वजह से मराठवाड़ा में गीला अकाल गिरा है. ये जो विधेयक है, ये विधेयक तुरंत केंद्र सरकार ने वापस लेना चाहिए. जो विधेयक किसान और मजदूरों के खिलाफ है, खेती के खिलाफ है, एग्रीकल्चर जो सिस्टम है, आपने को ये एग्रीकल्चर सिस्टम को उध्वस्त करने वाला ये सब विधेयक है, ये तुरंत वापस लेना चाहिए. इसके खिलाफ आज शेतकरी कामगार पक्ष के तरफ से पूरे मराठवाड़ा के जो प्रमुख लोग हैं, ये सोशल डिस्टेंसिंग का नियम बरकरार रख के यहाँ पे एक टोकन निदर्शन हम यहाँ पे कर रहे हैं और इसके जरिए हम हमारा निवेदन अपने जो विभाग के जो आयुक्त है उसको हम ये विधेयक रद्द करो. मराठवाड़ा में गीला गिरा है, इसीलिए कम से कम 50,000 रुपये नुकसान भरपाई दो और उसके बावजूद ये जो दो विधेयक है केंद्र सरकार ने लाए हुए, ये विधेयक तुरंत वापस दो. ये मांग हमारी आज की विशेष मांग है. आइंदा बल्दिया उज़्मा चुनाव में बेहतर कारकर्दगी की तैयारियों के लिए वंचित बहुजन अघाड़ी का इजलास मुनक्कद हुआ है. सोवेदारी गेस्ट हाउस में हुए इस इजलास में सैकड़ों मुस्लिम कारकुनान ने वंचित में शमूलियत का ऐलान किया है. औरंगाबाद बल्दिया उज़्मा इंतखाबात और बाद अज़ां लोकसभा चुनाव में जिस तरह के इत्तेहाद का मजाहरा करते हुए वंचित बहुजन अघाड़ी से राय दहिंदगान ने तआवुन किया था और उसके मौजजाती नतायज सामने आए थे, इसी तरह मुस्तकबिल करीब में भी बल्दी इंतखाबात में मजीद बेहतर नतायज की तवक्को की जा सकती है. इस तरह का इजहार ख्याल गुज़िश्ता शाम वंचित बहुजन के
सूबेदारी गेस्ट हाउस में मुनक्किद इजलास में पार्टी मुबस्सिर फारूक अहमद ने किया है। कारकुनान के इस इजलास में सैकड़ों मुस्लिम कारकुनान की वंचित बहुजन में शमूलियत की इत्तला भी फारूक अहमद ने एडीएन न्यूज को दी है, जबकि इस मौके पर वंचित के रहनुमा अमित भोईगढ़, पार्टी तर्जुमान गोविंद दलवी, जिला सदर प्रभाकर बकले, योगेश बन, मशरक हलके के शहर सदर डॉक्टर जमील देशमुख और दीगर तमाम ओहदेदारान व कसीर तादाद कारकुनान मौजूद थे। एमआईएम से आइंदा इश्तराक पर ताहम इस इजलास में कुछ कहने से एहतराज करते हुए मुस्लिम राय हिंदगान को वंचित बहुजन अघाड़ी से जोड़ने पर जोर दिया गया है। आज आप तमाम लोगों के कदमों से वंचित बहुजन अघाड़ी में ही नहीं तो शहर औरंगाबाद में दाखिल हो रही है। मैं आप तमाम लोगों का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। शहीद भगत सिंह के तहरीक के ऊपर दुष्यंत कुमार नाम के एक शायर ने चार लाइनें लिखी। उन्होंने लिखा था कि हो गई है पीर पर्वत भी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, तेरे सीने में नहीं मेरे सीने में सही, हो कहीं भी मगर आग जलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए और हमारी कोशिश है कि व्यवस्था बदलनी चाहिए, ये सिस्टम बदलना चाहिए, ये हालात बदलना चाहिए, और बदलाव अगर आप चाहते हैं तो तब्दीली के बिना नहीं आते। रियासत गिर मुहिम मेरा खानदान मेरी जिम्मेदारी के तहत आज रुकन काउंसिल अंबादास दानवे की सरकर्दगी में शिवसेना ने अवामी मकामात और चौराहों पर कोरोना तहफुजाती तदाबीर पर अमल आवरी की तलकीन करते हुए साबन तकसीम किए। कोरोना की बेवकूफी और एहतियाती तदाबीर और इकदामात नीज अवामी बेदारी के मकसद से रियासत के वजीर आला की इमा पर रियासत गिर मुहिम मेरा खानदान मेरी जिम्मेदारी सरगर्मी से मनाई जा रही है। शिवसेना रहनुमा रुकने काउंसिल अंबादास दानवे की रहनुमाई में शहर भर इस मुहिम के तहत मुतअद्दिद मामूलात रूबामल लाए जा रहे हैं। आज शहरियान को बार बार हाथ धोने व दीगर तदबीरों पर आमादा व बेदार करने के मकसद से मुतअद्दिद चौक व अवामी मकामात पर चेलीपुरा, शाहगंज, शाहगंज सब्जी मंडी, फेरी वालों व रिक्शा वालों को साबुन तकसीम किए गए और बार बार हाथ धोने की सलाह दी गई। इस मौके पर दानवे के अलावा शहर प्रमुख बाला साहब थोरात, उप शहर प्रमुख चंद्रकांत इंगले और दीगर ओहदेदारान व कारकुनान मौजूद थे। अब वक्त हो चला है कि मुख्तसर वक्फे का, खबरें अभी और भी है, देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज। सुवर्ण संधि सुवर्ण संधि सुवर्ण संधि, बेरोजगारीच्या काळात 100% जॉब गॅरंटी देणारे कोर्सेस करा। केंद्रीय शिक्षण मंडळ, भारत सरकार मान्यता प्राप्त डीएमएलटी, ओटी टेक्निशियन, डिप्लोमा फिजिओथेरपी, ईसीजी, एक्सरे, सीटी स्कॅन, बीएमएस, फार्मसी इन आयुर्वेदा अँड युनानी, डिप्लोमा ऑप्टोमेट्री, सर्टिफिकेट इन इमर्जन्सी मेडिकल सर्व्हिसेस, डिप्लोमा इन हॉस्पिटल मॅनेजमेंट, तसेच महाराष्ट्र शासनाच्या यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ आणि एसएनडीटी महिला विद्यापीठाचे बीए मराठी व उर्दू माध्यम, एमए सर्व विषय, बीकॉम, एमकॉम, एमए एज्युकेशन, मानवी हक्क, गांधी विचार दर्शन, समंत्रक प्रमाणपत्र, बाल संगोपन कोर्स, नोकरी व्यवसाय सांभाळून हे कोर्सेस करता येतात। 4th पास ते 12th नापास यांना 6 महिन्यात 12th पास होऊन ग्रॅज्युएट होण्याची सुवर्ण संधी। संपर्क प्राचार्य डॉक्टर हसन इनामदार, डॉक्टर दत्ताभाऊ पात्रीकर शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित, मातोश्री डॉक्टर कंचन शांतीलालजी देसडा महाविद्यालय औरंगाबाद, मोबाईल क्रमांक 9405109103 आणि 8830838903। जरूरतमंदों की मदद और इंसानियत की खिदमत इम्तियाजी फरीजा है, इबादत है। शहर औरंगाबाद में घाटी अस्पताल व कैंसर अस्पताल में रोजाना हजारों मरीज व उनके रिश्तेदारों की आमद होती है।
दूर दराज के मरीजों के अकरबा के खाने और रिहाइश के मसले को हल करते हुए उनके क्याम और ताम का मुफ्त नज्म पिछले कई साल से मस्जिद जमील बेग से मजलिस तामीर मिल्लत करती आ रही है। तामीर मिल्लत के ज़ेर एहतमाम दोनों अस्पतालों के अलावा शहर के दीगर दवाखानों में भी मरीज व उनके रिश्तेदारों को दो वक्त का खाना पहुंचाया जाता है। मजलिस तामीर मिल्लत ने अहले खैर हजरात से अपील की है कि इस कार्य खैर में हिस्सा लें, मस्जिद जमील बेग पंचक्की औरंगाबाद पर रास्त मुलाकात करें या मोबाइल नंबर 9765005577 पर राब्ता करें। नाजरीन, वक्फे के बाद आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। घरेलू तशद्दुद की शिकार एक खातून को पुंडलिक नगर थाने की दामिनी नफरी ने दर बदर फिरने से नजात दिलाकर दोबारा घर पहुंचाया है और खातून के भाई भावज को तंबीह की है। नेस पुंडलिक नगर थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। नाजरीन, कहते हैं कि जर जमीन और जेवर हमेशा ही से फितना सामा रहे हैं। इनके हुसूल के लिए इंसानों की नीयतें डावाडोल हो जाती हैं, रिश्ते पामाल होते हैं और जुल्म व सितम रवा हो जाते हैं। हमारे नुमाइंदे सैयद माजिद आज घरेलू तशद्दुद की एक वारदात से नाजरीन को वाकिफ करवाने की कोशिश की है। राजू चौक पुंडलिक नगर की साकिना सुषमा तुषार अपनी माँ, भाई व भावज और अपने दो बच्चों के साथ यहाँ मुकीम है। माँ के इंतकाल से कबल वो इस मकान को अपनी माँ से खरीद चुकी थी, जिसका बाजाब्ता रजिस्ट्री दस्तावेज मौजूद होने की बात सुषमा ने बतलाई है। ताहम माँ के इंतकाल के बाद उसके भाई व भावज की नीयत इस मकान के हक मिल्कियत को लेकर खराब हो गई और फिर जौर व तशद्दुद का दौर शुरू हुआ, तो बिलाखिर पिछले दिनों भाई भावज ने सुषमा को उसके बच्चों समेत घर से बाहर कर दिया। दर बदर होती सुषमा को उस वक्त राहत नसीब हुई जब पुलिस की दामिनी नफरी ने उसे दोबारा घर पहुंचाया। इस मामले में पुलिस ने हकायक व दस्तावेज के बरबिना मामला भी दर्ज कर लिया है। पीआई सोनोनी की रहनुमाई में उनके अहलकारान मजीद जांच कर रहे हैं। पुलिस किसी को बेघर नहीं करती है, किसी को बाहर नहीं निकलती। पुलिस महिला के लिए खास करके सिंसियरली और सेंसिटिवली महिला के जो प्रॉब्लम्स है वो हैंडल करने के लिए, लीगली हैंडल करने के लिए उनका फ़र्ज निभाती है। और आप जो बोल रहे हैं कि महिला को बाहर निकाला, तो उसमें जो है तो दोनों पार्टी के उन्होंने दोनों एक ही घर के फैमिली मेम्बर्स है, मगर वहाँ पे उन्होंने झगड़े किए, इसलिए हमको मजबूरन कानूनी FIR दर्ज करना पड़ा उन्होंने दिए रिपोर्ट के। पहले तो हमने काउंसिलिंग पे भर दिया, उसका जो मालकी हक के चालू है वो सिविल मैटर है, पर वो कारण के वजह से आपस में उन्होंने झगड़ा किया, तो उसके बारे में अपने यहाँ पे FIR दर्ज किया है। घर की वजह कुछ भी नहीं है, प्रॉपर्टी चाहिए उनको बस, पर ना कि उनके डॉक्यूमेंट पे मतलब नाम है ना कुछ भी है। खरीदी खत करके वो मैंने घर लिया हुआ है, वो बेच दिया था, लेकिन वो पुलिस वालों को सबको मिसगाइड कर रहे थे। वो मनोज गांगवे करके और दामोअर्णा शिंदे, इन्होंने थोड़ा सा प्रेशर ला के उस दिन पुलिस में उनको थोड़ा सा परेशान किए थे, इसके लिए पुलिस वाले भी मेरी मदद नहीं कर सके। लेकिन जिस दिन वो दानवी सर आए तो उन्होंने सब पुलिस वालों को उनको बोल के उनको गालियाँ वो दे के बोले कि एक लड़की के साथ ऐसा करना ठीक नहीं है करके। फिर सर ने मदद करके गुना दाखिल करे उन पर 6 तारीख को शाम में। फिर उसके बाद समझो आज सर मुझे अच्छे से घर में छोड़ रहे प्रोटेक्शन के साथ। हाँ, मेरे नाम पे खुद वो घर है, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है। स्टेशन में मेरे पिताजी, बहन, जीजाजी, भाई ये लोग हैं, जबकि इनको मालूम ही नहीं है कि मेरे मम्मी ने वो घर कब सेल करा और मैंने उनसे कब खरीदी खत करके लिया, क्योंकि मेरे मम्मी का उनका कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं था। लेकिन ये दामोअर्णा शिंदे और ये गंगवाल करके कोई तो भी है, मनोज गंगवाल, इन्होंने पुलिस वालों पे इतना प्रेशर लाए कि पुलिस वाले वो देखने के पहले मतलब 10 बार सोचने लगे। अभी मैं मतलब कुछ भी नहीं, इसके उसके सहारे से रह रही थी 3 दिन से। पुलिस का सपोर्ट जाधव मैडम है, लता जाधव, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, बहुत बोले तो बहुत ज़्यादा हेल्प करी उनकी वजह से। और अमृता जानवी जो है उनकी वजह से मतलब मैं जिंदा रही, इसके लिए आज आपके सामने खड़े रह के बात कर सकती हूँ। मुझे मेरा घर है, मुझे घर में जाना ही है, लेकिन इसके बाद मालूम नहीं वो लोग ऐसी वृत्ति के तो क्या करेंगे। हाँ सर, तो वैसे मतलब हमेशा सोनोने सर हेल्प कर रहे हैं और सोनोने सर ही करेंगे जो भी है आगे हेल्प। यूपी के हाथरस की अखलाक सोज व बेईमाना वारदात के खिलाफ बहुजन क्रांति मोर्चा ने एहतजाजी मुजाहरा किया और ज़िला कलेक्टर के मारिफत सदर जमहूरी हिंद को मकतूब अरसाल किया है।
बहुजन क्रांति ने 30 अक्टूबर तक मुख्तलिफ अदवार में मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान भी किया है। हाथरस के दिलदोज वाकये पर मुल्क भर एहतजाज थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आज जिला कलेक्टर दफ्तर के रूबरू बहुजन क्रांति मोर्चा ने एहतजाजी मुजाहरा मुनज्जम किया। नीज कलेक्टर मौसूफ के तवस्सुस से मुल्क के सदर जमहूरिया के नाम एक मकतूब इरसाल किया है। इस मकतूब में इसी तरह के कई शर्मनाक वाकयात का हवाला देते हुए कानून व इंसराम की मजबूती पर सवाल उठाए गए हैं। मुलजमीन से सख्ती से निमटने का मतालबा किया गया है। नीज इन तमाम तर वाकयात के खिलाफ बहुजन क्रांति मोर्चा की जानिब से टप्पे टप्पे से 30 अक्टूबर तक मुल्क भर एहतजाज व मजम्मत की मुहिम का इंतबाह भी इस मकतूब में दिया गया है। मनीषा नाम की लड़की का हतरस के अंदर जो तो ठाकुरों के जरिए से गैंग रेप होना, उसकी जबान काटना, उसकी हड्डी तोड़ देना और उसको जो तो तड़पता हुआ छोड़ देना और उसके बाद फिर मीडिया वालों को उस गांव में शहर में न जाने देना, उसके ख़ानदान वालों को धमकियां देना, ये इस बात की अलामत है कि अब इंसाफ के लिए हमको दुहाई देने के बजाय सड़कों पर उतरना ज़रूरी हो गया है। चुनाचे बहुजन क्रांति मोर्चा आज यहाँ पर कलेक्टर ऑफिस के सामने ये धरना दे रही है, निवेदन देंगे और हुकूमत को ये बताएंगे कि आज हमने निवेदन दिया है। ये निवेदन कोई रद्दी के टोकरी में डाले जाने के काम का नहीं, हमारी आवाज़ है, जनता की आवाज़ है, तमाम संगठनों की मिलकर ये आवाज़ है। सारा मुल्क इस वक्त जो तो सड़कों पर उतरा हुआ है, महिलाएं सड़कों पर उतरी हुई, बच्चे बेचैन हैं। अगर ये सत्ता वाले जो बेटी बचाओ का खोखला नारा लगाते हैं, अगर नारे के खिलाफ ये काम करेंगे तो जाहिर है कि जनता सड़कों पर उतरेगी और जनता के तूफान को दुनिया की कोई ताकत न रोक सकी न रोक पाएगी। सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देऊन या सरकार स्थापना के लिए त्यांनी संविधान की शपथ घेतलेली आहे योगी सरकार ने, मी आपल्या माध्यमाने त्यांना विचारत आहे। देशामध्ये जे आहे देशामध्ये बलात्कार आणि हत्या ये होत असेल त्या त्या वेळी आम्ही सर्व संघटना मिळून तुमच्या विरुद्ध असेच बोलत राहणार आणि त्या संदर्भात आम्ही रस्त्यावर उतरू। पसमानदा जमरों में शामिल दिगर पसमानदा तबकात यानी OBC की संगठनाओं की जानिब से वजीर आला, नायब वजीर आला और मुतालिका कलमदान के वजीर को मुश्तरका मकतूब देकर ज़िला कलेक्टर दफ्तर पर मुजाहरा किया गया। OBC के रिजर्वेशन से छेड़खानी ना करने का मुतालबा वो दिगर मुतालबात इस मकतूब में शामिल है। पसमानदा जातों व तबकात के जुमरों में शामिल दीगर पसमानदा तबकात की संगठनाओं की जानिब से ज़िला कलेक्टर के मारिफत रियासत के वजीर आला, नायब वजीर आला और OBC बहुजन कल्याण के मुतालिका वजीर के नाम एक मुश्तरका मकतूब इरसाल किया गया है। इस मकतूब पर संगठनाओं के कारकुनान व अहदेदारान ने ज़िला कलेक्टर कचहरी पर मुजाहरा भी किया और OBC कबाइल भटकी जातियों व तबकात के जुमरे के दस्तूरी व मुनसिफाना मतालबात की मंजूरी का मतालबा किया है। मकतूब में वजाहत की गई है कि दीगर तबकात को दिए जा रहे रिजर्वेशन पर उन्हें कोई एतराज़ नहीं है, ताहम उन्हें अता करदा रिजर्वेशन के साथ कतई कोई छेड़खानी न की जाए। सद्याच आमची खरं तर सुरुवातीपासूनची मागणी आहे की जात नाही है जनगणना झाली पाहिजे, कारण OBC संघटना हे विद्यार्थ्याच्या शिष्यवृत्तीसाठी नेहमीच निवेदन देते आणि विद्यार्थ्याला शिष्यवृत्ती मिळत नाही, जर मिळाली तर ती कमी मिळते, काहींना तर मिळतच नाही आणि अशा ज्याच्यामध्ये अनेक OBC दुसऱ्या जाती जर घातल्या तर आमचा OBC समाज अजून शिकलाच नाही आहे, अजून बांध्यावरच आहे। आता तर आमचे पंतप्रधान ऑनलाईन शिक्षण करत आहेत आणि मोबाईल प्रत्येकाला हवा आहे। कालच एका मुलीनं साताऱ्यामध्ये आत्महत्या करून घेतली मोबाईल नाही तर, तिच्या आईला खायला नाही तर मोबाईल कुठून घेऊन देणार। म्हणजे आमच्या ह्या OBC लोकांना तर शिक्षणापासून वंचित केलंच केलं आहे, पण आता जगणं मरण्याचाच प्रश्न आलेला आहे। तर आम्ही याला कुणाला त्यांना आरक्षण द्यायचं असेल त्यांनी द्यावं, पण त्यांना सेपरेट द्यावं, आमच्या OBC धक्का लावू नये आणि आमची जातनिहाय जनगणना झाली पाहिजे आणि विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती वेळेवर मिळाली पाहिजे। हाथरस उत्तर प्रदेश की शर्मनाक वारदात पर जमात इस्लामी हिंद की कवातीन शहर इकाई ने इजहार तासुफ के साथ वजीर आजम के नाम एक मकतूब भिजवाया है और मुलजमीन को खरारे वाकई सजा देने और मुतासिरा खानदान से इंसाफ करने का मुतालबा किया है। मुल्क की अखलाकी तहजीबी और कानून इंसराम की शबीह को दागदार करने और
अशरार वो दरिंदा सिफत अनासिर की दीदा दिलेरियों को बढ़ावा देने वाला इंतहाई शर्मनाक वाकया उत्तर प्रदेश हाथरस में फिर एक बार दोहराया गया, जब पसमानदा तबका से मुतालिका एक दोशीजा को जिंसी दरिंदगी के बाद इंतहाई बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। इस वाकये पर सारा हिंदुस्तानी समाज शर्मसार और गैज़ो गज़ब में डूबा हुआ है। मजाहरे, मजम्मत व एहतजाज मुल्क भर जारी हैं। जमात इस्लामी हिंद की ख्वातीन शहर इकाई औरंगाबाद ने गुज़िश्ता रोज जिला कलेक्टर के मारिफत वजीर आजम हिंद के नाम एक मकतूब इरसाल किया है, जिसमें इस वारदात की मजम्मत के साथ साथ वाकये के बाद मजम्मती एहतजाजी वो मुजाहरीन और मुतासरा के अहल खाना से इजहार हमदर्दी करने वालों के खिलाफ ही इंतजामिया के जरिए मामले दर्ज करने पर ताज्जुब का इजहार करते हुए ऐसे सारे केसेस वापस लेने का मतालबा किया गया। नीज मुलजमीन को करारे वाकई सजा को यकीनी बनाने की दरखास्त की गई है। इस मकतूब पर जमात की ख्वातीन इकाई की शहर सदर फहीमुन्नेसा के दस्तखत सब्त हैं। एक 19 वर्षीय मुली मनीषा नावाच्या मुलीवर, मनीषा वाल्मिकी या मुलीवर म्हणजे एक अमानुष तऱ्हेने आणि एका जनावराप्रमाणे जे रेप केला आहे, बलात्कार केला आहे, त्या बलात्काराच्या विषयी आम्ही इथे जमलेलो आहोत। आमच्या सगळ्या बघिणी ही जनता ही आमची संघटना जी आहे जमात इस्लामी हिंद आणि इतरही संघटनेचे भगिनी महिला इथे येणार आहेत। यासाठी येणार आहे की या संघटना आम्ही विरोध करत आहोत की कितपर्यंत आणि कधी म्हणजे ही कधी थांबणार आहे, हे बलात्काराची ही काय प्रथा चालू आहे, हे कधी थांबणार आहे, यासाठी आम्ही इथे निवेदन देण्यासाठी आलेलो आहोत। आम्हाला असं आम्ही इथे आमचं निवेदन याच्यासाठी घेऊन आलेलो की हे जे बलात्कारी आहे यांना यांची शिक्षा व्हायलाच पाहिजे आणि ही शिक्षा जर एखाद्या व्यक्तीला म्हणजे जो बलात्कारी आहे त्याला ही शिक्षा झालीच पाहिजे। आणि ही शिक्षा फक्त असं नाही की कोर्टात केस वर्षानुवर्ष चालत आलेले आहे, ही शिक्षा अशी नाही, ही शिक्षा आम्हाला म्हणजे तुरंत अशी करायला पाहिजे की बलात्कार हा माहीत आहे सगळ्यांना हा बलात्कार आहे, त्याला भर चौपात नेऊन दगडाने ठेचून त्याचा त्याचा मृत्यू व्हायला पाहिजे किंवा त्याला फाशावर लटकायला पाहिजे। इंडिया की आधी पॉप्युलेशन सेफ नहीं है, ये कैसी गवर्नमेंट है जो इंडिया की आधी पॉपुलेशन को सेफ नहीं कर सकती है। हाथरस में जो घटना हुई है उसमें लॉ एंड ऑर्डर को जो मेंटेन करते हैं उन लोगों ने उनका क्या रोल रहा है हमने देखा है। हम कैसे भरोसा कर ले उन लोगों पर जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं, उसी को लॉस को ब्रेक कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ की रेपिस्ट को हैंग टिल डेथ दिया जाए, कैपिटल पनिशमेंट दी जाए, जल्द से जल्द उसका डे टू डे कोर्ट हियरिंग हो। हाँ, दहली पर एक भेड़िया बैठा है, भेड़िया इतने हो गए हैं नीडर, इन्हें कानून का डर नहीं रहा। भले कि कानून अंधा नजर आता हो, ईश्वर की पकड़ से हो तुम दूर सिर्फ और दिन चार। फैला है जाल देश के हर राज्य, शहर, कस्बे और गली, हमें उससे क्या, हमारे घर सुरक्षित है हमारी गली। ईश्वर ने कहा बनो इंसाफ के अलंबरदार, मजलूम के साथ खड़े रहो, लड़ो उससे जब तक खत्म ना हो अत्याचार। सिर्फ निंदा और सिंपति नहीं चाहिए, ना काम चलेगा नारेबाजियों से, हो वो कैंडल मार्च या रैली। सख्त कानून जो मुजरिम को पहुंचाए फांसी के तख्ते तक, ताकि एक और गुमनाम निर्भया की चढ़े ना अगली बलि। जो निवेदन देने के लिए आए आज मनीषा वाल्मीकि, जो हाथरस में केस हुआ है, बलात्कार हुआ है, गैंगरेप हुआ है, तो इसके ताल्लुक से हम ये बात रखना चाहते हैं कि हमको सिर्फ एक निवेदन देना है कि ये कब तक चलेगा, ये बलात्कारियों की सज़ा कब होगी, कब शुरू होंगी। दूसरे सज़ाएं तो छोटी छोटी बातों पे होते हैं, लेकिन बलात्कार की सज़ा क्यों बढ़ा रही है, गवर्नमेंट को क्यों समझ में नहीं आ रहा है कि बलात्कार की सज़ा सबसे बड़ी होनी चाहिए। अगर एक बलात्कारी को सज़ा दिए, शिक्षा दिए, गुनाह करा हुआ है उसने, उसको अगर भर चौक में ला के पत्थर से ठेस के उसको मारे या फांसी लगाए उसको, तो दूसरे जो जिसके दिमाग बने हुए हैं अमानुष तरीके से, जो जानवरों के जैसे दिमाग बने हैं, तो उनके दिमाग ठहर जाएंगे। और ये बलात्कारी जो है भारत में से कब खत्म होगा, हम जो महिलाएं यहाँ पर आई है जमात इस्लामी हिंद के, यही लेकर आई है कि बलात्कारियों का रेट कम होगा। कब इसका आप अगर देखें परसेंटेज, तो आपको खुद मालूम है कि सुबह हर एक डेढ़ मिनट में कितने बलात्कार होते हैं, ये मीडिया वालों को बताने की तो ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमको ये अफसोस है कि इसी के ऊपर कोई कार्रवाई ही नहीं होती। जब यहाँ बेटी बचाओ
बेटी पढ़ाओ, तो ये चेतावनी है क्या? क्या है ये? बेटी को किस लिए पढ़ाना है और किस लिए उसको पालना है? कि इसके लिए कि वो बलात्कार के हवाले कर दे उसको? कि यहाँ पर भारत है, ये भारत सर्वगुण संपन्न कहा जाता है, भारत में 5000 जाति है, तो यहाँ पर सब मिलकर बहुत अच्छे से रहते हैं। लेकिन हमको एक उत्तर प्रदेश का ऐसा एक महसूस होता है कि यहाँ एक भी औरत, एक भी महिला जो है तो सेफ नहीं है। और ये सेफ्टी कब देंगी, कौन देगा? क्या हमको अपने आप को यहाँ पर सेफ्टी हासिल करना है, क्या करना है? ये इस गवर्नमेंट हमको कहाँ सपोर्ट करेंगी कि ये बलात्कारियों को जब घर चौक में ला के जब तक के उसको पत्थर से ठेस के मारेंगे नहीं, जब तक के यहाँ पर ये सज़ा, ये बलात्कारी का जो कानून है, कानून बना हुआ है ये बलात्कार, ये बलात्कार होते रहेंगे और ये हम लोग ऐसे निवेदन देते रहेंगे। ये हम निवेदन इसके लिए लाए कि यहाँ पर ख़त्म हो जाना, यहाँ पर बलात्कारियों को फांसी की सज़ा देना ज़रूरी है। खबरों के सिलसिले को खत्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। मराठवाड़ा में हुई इजाफी बारिश और फसलों की तबाही के सबब गीले कहत का ऐलान किया जाए, शेतकरी कामगार पक्ष का रियासती हुकूमत से मुतालबा। आइंदा बल्दिया उज़्मा इंतखाबात में मुस्लिम राय दहिंदगान के ताउन से बहुजन वंचित को बेहतर नतायज की तवक्को, सैकड़ों मुस्लिम कारकुनान ने की बहुजन वंचित में शमूलियत। रियासतगीर मुहिम मेरा खानदान मेरी जिम्मेदारी के तहत शिवसेना की जानिब से आवामी बेदारी जारी, चौक चौराहों पर की गई साबुन की तकसीम। नाजरीन ये थी आज की खबरें, कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज, आवाज हर दिल की।